हाँ हो जाएगा एम साइज है ना। वीडियो में गाइस हम बोल रहे हैं तेरे से इंट्रोडक्शन करवाओ करके, क्योंकि जब भी वीडियो चालू हो रहा है कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग, से बात नहीं करते हैं, बोल रहे हैं तेरे को, तो बोल दे थोड़ा सा कुछ। ये मेरा बड़ा भाई जितेंद्र अग्रवाल और मैं इसका छोटा भाई धर्मेंद्र। तो कैमरे के सामने आके को बहुत शर्मा रहा है, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पाया, लेकिन आज उसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करूंगा आप सभी को, क्योंकि आप लोगों में से कई बार कमेंट भी आ चुका, आज फिर कमेंट आया कि अपने छोटे भाई से आप इंट्रोड्यूस करवाइए। तो आज इससे स्पेशल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इससे, और जो मानसिकता होता है उससे। साफ करके लगा दो, उसमें बैग को जमा देते हैं फटाक से। तो आज हमारी यह Redmi Note 5 Pro का आखिरी दिन है, क्योंकि यह बिक चुका है। एक्चुअली क्या है कि जितने भी इससे यादें कुछ जुड़ चुकी है, क्योंकि YouTube का पहला दौर इसी से स्टार्ट किया था अप्रैल के टाइम पे Redmi Note 5 Pro। तो आखिर ये फाइनली 7000 रुपये में बिक गया है, क्योंकि रख के क्या करूँगा, फालतू बस रखा हुआ है, किसी प्रकार का कुछ काम तो आ नहीं रहा है। और 20000 रुपये लगभग में इसे मैं लिया था। क्या है, जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत दिनों तक रह जाती है तो उससे एक लगाव सा हो जाता है, चाहे वह इंसान हो चाहे कोई सामान हो। तो वैसे ही है, कई प्रकार के परिस्थितियों में साथ में रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना बिछड़ता है वैसे इसका बिछड़ना भी लग रहा है। लेकिन आखिर रख के एक निर्जीव जैसा पड़ा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो किसी के काम आएगा, ज़िंदा रहेगा, तो वैसे ही है। इसमें से जितने भी फाइल ट्रांसफ़र करने थे वो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया हूँ, और ये लेने वाला आ गया है। क्या ये लगभग हो ही गया, तो ये है लेने वाला। लगभग लगभग तो आ ही गया है लग रहा है जितना। सब ठीक है, लगभग उड़ा दिया जाए इसको। तो मोबाइल को अब वो ले गया, और अब मेरे हाथ में है हमारा नया मेहमान लॉर्ड। तो जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, यह जो मेरा छोटा भाई है, जो कंडीशन आपको इसका अभी दिख रहा है, वह सुबह से लेकर शाम तक यही कंडीशन रहता है। यह देखिए, कितना हुआ, मैं उस टाइम अपने छोटे भाई की बात कर रहा था, और उसके बारे में एक बहुत ख़ास चीज़ मैं बता रहा हूँ। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, रात को सोते टाइम वह डेली हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोता है। मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ, लेकिन मेरे से भी बड़ा बजरंग बली का भक्त मेरा छोटा भाई है। जब मेरा भाई गया हुआ था श्राद्ध के लिए, तो उस टाइम जो धार्मिक पुस्तकें होती है वो 2-3 प्रकार के, रामचरितमानस इस टाइप के, वो वहाँ से खरीद के लाया स्पेशल, और उसे निरंतर पढ़ता रहा। वो धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में मेरे छोटे भाई की बहुत ज़्यादा आस्था है, और वह दुकान बढ़ाने के बाद रात में घर जाके खाना खाने के बाद पूजा के रूम में बैठ कर 1-1.5 घंटे तक पुस्तक पढ़ता है, और धार्मिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है उसे। तो सबसे बड़ी चीज़, वह स्वयं रामायण को देख देख कर उसे एक पूरे मोटे से कापी में लिख डाला है अपने खुद के हैंडराइटिंग से। वह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग सोच लीजिए कि वह कितना धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हो सकता है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वह मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे भाई ने जो रामायण लिखा है वो आप लोगों को दिखा दूँ, उसका हाथ का लिखा हुआ, तो दिखा दिया जाए। तो चलिए चलते हैं पूजा रूम की तरफ, और मेरे भाई द्वारा लिखा हुआ वह रामायण मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग सोचिए कि उसमें कितना समय लगा होगा। समय तो लगना, उसके लिए इंसान कितना ज़्यादा आत्मक्षमता लगी होगी। तो जिसके अंदर दृढ़ निश्चय किया होता है वही यह सब चीज़ों को करता है, जो अंदर से समर्पित होता है वही यह चीज़ कर पाता है। नहीं तो किसी को एक पन्ना का कुछ लिखने बोल दो वह नहीं कर पाता। और मेरे भाई द्वारा किया गया मैं आप लोगों को वह चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा भाई कौन कौन से ग्रंथ पढ़ता है।
और उसे वो पढ़ के कंप्लीट कर चुका है। ये वहां से जो किताबें मेरे भाई ने खरीद के लाई थी उनमें से एक था शिव महापुराण, हरिवंश पुराण। सोचिए मेरे को ध्यान नहीं कौन सी पुस्तकें लाई थी और वो पूरा लाके पढ़ चुका है। ये पुराने पुराने किताबें जो है ये सब उसने पढ़ डाली है पूरी। द्वारा लिखा गया गोलोकृत रामायण, मेरे भाई को प्यार से हम लोग गोलो बोलते हैं, तो अब देखते हैं कि उसने कैसे लिखी है। ये देखिए, यह बहुत ही अनमोल पुस्तक है श्री रामायण। ये देखिए पूरा का पूरा पेज कौन से तारीख में कितने समय कब शुभारंभ किया था मेरे भाई ने, ये सब लिखा हुआ। दिनांक 25/7/2006 दिन मंगलवार प्रातः से शुभारंभ 25 तारीख को 27 तारीख को, ये पूरे डेट के साथ वह लिखा है। दिनांक 3/9/2006 दिन सोमवार रात्रि को शुभांत, मतलब यह पूरे 25/7 से उसने चालू की थी और 25/7/2006 से और 3/9/2006 को उसने खत्म किया। यहाँ से चालू बालकांड। पूरा का पूरा यह रामायण मेरे भाई ने लिख रखा है पूरा, ये देखिए अपने अक्षरों से, और गायत्री मंत्र भी बीच बीच में लिखता रहा है। यह देखिए देखिए आप लोगों को मैं अपने भाई के विषय में बहुत कुछ बता चुका हूँ, और भी बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे सामने आती जाएंगी। और मैं भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ऐसा भाई मिला है। सही में एकदम बिल्कुल लक्ष्मण जैसा मेरा ये भाई है, मैं उसकी तारीफ करना मैं बिल्कुल भी नहीं चुकूंगा, क्योंकि हकीकत बात बताऊँ तो मैं जो भी बोलता हूँ चाहे दिन में बोलूँ चाहे रात में बोलूँ, एक बार मेरी बातें सुनता है और कहीं ना कहीं उसका यह व्यवहार देख के आप लोग समझ सकते हैं। भले ही दो शब्द बोल दूं, चिल्ला दूं, कुछ भी अचानक गुस्से में आकर कुछ भी दो चार शब्द बोल दूं, लेकिन मैं पलट कर जवाब नहीं देता, और जिसके बाद उस चीज के बारे में मैं भी सोचता हूं और अंदर कहीं ना कहीं जगह और ज्यादा बढ़ती ही जाती है। तो भगवान से सिर्फ एक ही चीज मानता हूं कि दुनिया में कुछ चीज मिले चाहे ना मिले, बस हम दोनों भाई एक साथ हमेशा रहते रहे, हमेशा ऐसे ही प्रेम बना रहे, क्योंकि लाइफ छोटी सी है, कुछ नहीं है जीवन में, किस्मत है जो हम दोनों एक दूसरे को मिले हैं, और छोटी मोटी गलतियां तो चलती रहती है। जो मेरे पास है आपके पास नहीं है, वह आपके पास भी है। अगर आप छोटे भाई हो या फिर बड़े भाई के प्रति अगर तो दो चार शब्द बोल भी देते हैं तो दिमाग से हटा दीजिए, और अगर आप बड़े भाई हैं तो आप बोल दीजिए दो चार शब्द जो भी आप बोलना चाहते हैं। बड़े भाई के हक के तौर पर मुँह से जरूर निकलता है, लेकिन उसे दिल से तुरंत निकाल दीजिए। और तो यह माँ दुर्गा जी का पूजा अर्चना के लिए पंडाल गढ़ रहा है जस्ट हमारे दुकान के सामने, तो प्रसाद वितरण शायद ना करें लेकिन माँ भगवती की पूजा ज़रूर होगी हमारे बाग बाहर में। भीड़ वगैरह जो है नहीं होगी पूजा में, सिर्फ पंडित होंगे और कुछ श्रद्धालु होंगे। और चमगादड़ देखिए कैसे उड़ रहा है यहाँ पे, यह सब चमगादड़ हैं।